अनुसूचित जनजाति पंचायत विभाग संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में आहूत की गई, जिसमें संगठन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की आवाज उठाने को लेकर रणनीति तैयार करते हुए एक कार्यवाहक समिति का गठन किया गया। सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय अंबेडकर युवा संघ के मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति पंचायत विभाग के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई और एक नई कार्यवाहक समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का उनके विभाग में हो रहे शोषण को रोकना और उनके अधिकार को दिलाना इस संगठन का मुख्य कार्य रहेगा। कार्यवाहक समिति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जयपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री नरेश सिंह, उपाध्यक्ष राम अवतार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी विनोद सिंह को नियुक्त किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत विकास विभाग में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को उनके हक एवं अधिकार दिलाने के लिए सभी नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा बात कही गई। मेरा नाम जयपाल सिंह जी। क्या कौन सा संगठन है, क्या मीटिंग हुई इसमें? आज ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत विभाग और विकास भारती संयुक्त टीम का गठन किया गया है जो प्रांतीय स्तर पर कार्य जी। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगे संगठन की? संगठन के लिए प्राथमिकता है कि संगठन जो है, जो हमारे लिए कहीं भी कार्य किए जाते हैं, किसी भी संगठन में कार्य करते हैं, तो हमें हक और न्याय नहीं मिलता। उस हक और न्याय को देने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। नाम आपका? नरेश सिंह। नरेश सिंह जी, किस संगठन की मीटिंग हुई है, क्या है यहाँ पे मामला पूरा? आज यहाँ 31 जुलाई 2022 को हमारे साथी ग्राम विकास अधिकारी सभी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के साथी जो संयुक्त रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हक एवं उनके अधिकारियों की लड़ाई के लिए यहाँ आज एक संगठन का गठन किया गया है। उसी के उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो क्या फैसला लिया गया संगठन में जी? क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया है कि यहाँ आज प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें श्री जयपाल सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष एंड धर्मवीर सिंह को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री एवं नरेश सिंह जी को महामंत्री नियुक्त किया गया है। तो विनोद सागर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनको जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये संगठन किस ओर कार्य करेगा? ये ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो हमारे कर्मचारी साथीगण हैं, उनके हक एवं अधिकारों की लड़ाई के लिए संगठन काम करेगा पूरे प्रदेश भर में। कब से ये काम कर रहा है? ये आज यहाँ कार्यकारिणी का गठन किया गया है और कार्यवाह के तौर पर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस संगठन में जो भी आगे कार्रवाई होंगी, रणनीति आगे बनाई जाएगी, शुरुआत आज से ही हो गई।